करो, पारी दर्ज करो। इट्स मी मान फातिमा, कैसे आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आप सबको खुश बादशाह को अपने हिफ्ज़-ओ-अमन में। वेलकम है व्लॉग, वेलकम टू ईमान फातिमा व्लॉग। अभी तक आप लोगों ने ईमान फातिमा व्लॉग से सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते, लाइक करते, कमेंट करते, शेयर करते और ढेर सारा प्यार दे। और मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस प्यारे से महीने के सदके हमारी मुश्किलें दूर करें, हमारी आसानी पैदा करें और बहुत खुशियाँ दे और हमें ढेरों बरकतें, ढेरों इबादत करने का मौका दे। को ढेरों मीन्स कि ये महीना ऐसा था, हम जितनी इबादत करते हैं हमें कम लगती। और तैयार किया अल्हम्दुलिल्लाह से इस माह रमज़ान पूरा एक कुरान मुकम्मल करना इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और नहीं काम करें। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ कर दें, जो जो दस्तरखान से जाता है, जो जो शहरी में बैठता है, ईमान फातिमा के लिए दुआ करते कि इस साल मेरा चैनल मोनेटाइज होगा इंशाल्लाह ताला। मेरी बहुत ज़्यादा दिली ख्वाहिश है कि मैं बहुत जल्दी कामयाब हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे ख्वाब है जो सिर्फ मैंने पूरे करने, और इंशाल्लाह वो ज़रूर होगी। आप लोग भी दुआ है सो बने रही। और अफ्तार का टाइम हो चुका है, कुछ चीज़ें फ्राई कर ली क्योंकि यार गैस जा रही, और माशाल्लाह से अल्लाह ताला की रहमत हर तरफ बरस रही है। ठंडा मौसम हो रहा है और रोज़ों का पता ही नहीं चल रहा था सबने। अल्हम्दुलिल्लाह से अफ्तारी की तैयारी करते हैं और नीचे चलते हैं और आप सबसे शेयर करते हैं कि अफ्तारी में आज क्या क्या बनाया है। लेट्स गो। और जब आप लोगों ने ब्लॉग स्टार्ट करना होता तो ये दो नमूने छत पे ज़रूर आते, एक ये नमूना एक ये नमूना। सो इनको इग्नोर करें और मेरा ब्लॉग इंजॉय करें। फुल्ला तुमने पहले मैंने स्टार्ट किया, तुमने बाद में स्टार्ट किया, तो शोका ना स्टार्ट तुमने ही किया। हाँ, और ये आईफोन के शोके दिखाते हो। रमज़ान की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह पहले शुरू हो चुकी है, मैंने फ्राइज करे चिप्स के और ये पकौड़े के निम्स रेडी किया हुआ, और बाकी जो गैस इंतहाई तंग कर रही, और पता नहीं आज पर गैस सुबह से बंद है, अल्लाह पाक रहम कर। मैंने मटीरियल समोसों के लिए रेडी किया थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा समोसे हम लोग खाते नहीं, तो इस वजह से थोड़े बहुत रेडी किए, और साथ फ्रूट चाट बनाई है और जूस बनाएंगे, जिसमें जी हम थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे, चाट पर मसाला नमक और तमाम चीज़ें मिक्स कर देंगे अच्छे से, क्योंकि किसके खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। बस 1.5 टी स्पून ऐड करेंगे सॉल्ट, उसके बाद हम सिलेंडर में क्या करूं बेटे। अरे यहाँ जी पकौड़े का जो मिक्स रेडी है, और ये हमारी समोसे की कटियाँ जो अभी हम बनाएंगे। ये वो हमारी मानू की फेवरेट चाट, मानू बाबा चाय मनाते हुए। आपने बनाई चाय? हाँ। क्या क्या डाला है? सुंदर नहीं डाला, के अंदर पत्ती दूध चने पत्ती सब कुछ डालो, सब कुछ डाला है, सब कुछ डाला है। अलावा खैर बाबा यहाँ को कि लैस करो यहाँ मैं सहरी बना रही थी, और बहुत मुश्किल से गैस आई, बहुत तंग किया और गैस ने साथ भूख लगी हुई थी। वन ऑफ माई फेवरेट नेम को किस किस की है ज़रूर बताएं। और अभी फ़िलहाल गैस बहुत कम आ रही, सब प्याज भराया, अल्लाह खैर करे। ये हमारी सहरी हो रही थी, या मैंने बनाया अंडे अंडे, और सहरी मैंने जल्दी बना ली क्योंकि पराठे ऑलमोस्ट मैंने बना के रख दिए थे, और जल्दी से आलू की भुजिया बना ली। अब तक सहरी में सिवाय मेरे महानूर को नहीं पता। ये जो महानूर की डेली की रूटीन होती है कि सहरी में सिर्फ दही सब की कोड़ी में डालना होता है और चीनी डालनी होती है, ऐ कुड़ी बस एक ही कम आता है। चाय करो,